कभी एक डेढ़ घंटा भी नहीं देता फ्री यार होने के लिए, सबका मैं ही करूं। तेरे हाथ में सैंडल्स? हाँ पता है। हाँ तो ये क्या नया फैशन है पैरों की जगह हाथ में सैंडल पहनने का? वैसे तुम क्या करने आए हो, एक हॉट स्वीट सी लड़की के घर सुबह सुबह? उस हॉट स्वीट लड़की से बात करने। तो बोलो। पहले उस हॉट स्वीट लड़की को बुला तो दे, तब तक तू सैंडल पहन। तुम यहाँ? लो, आ गई तुम्हारी हॉट स्वीट लड़की। ओए, मैं कमला भाभी के बारे में बात कर रहा था। हाय गौरी। शिव, कमला भाभी शादीशुदा है और तुम उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? देख, मैं यहाँ गौरी से मिला आया हूँ और मैं तुझसे अपना दिमाग खिलवाना नहीं चाहता। मैं फैटिंग चीजें नहीं खाती। और वैसे तुम्हें हमेशा से मेरी फ्रेंड से क्या काम होता है? वो मुझे डांस के रीजन से कहीं लेके जाना है। आई एम सो सॉरी, मैं तो नहीं आ सकती, वो मुझे ना अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने जाना है, तो आई एम रियली सॉरी। तुझे आना भी नहीं। यू नो, आज कितना कमाल का दिन है, आज सबको कहीं ना कहीं जाना है। तुम्हें जाना है, मुझे जाना है, गौरी को जाना है, मिर्जापुर। मिर्जापुर? हाँ, अब वो उसके अंकल की फैमिली में कुछ होने वाला है, तो बस इसलिए। ओ, कहाँ, कब जाना है? कल, टिकट अभी हुए नहीं है। ओ गॉड, हाँ मैं बस पहुंचने वाली हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस निकल गई हूँ। ओके बाय। I'm really sorry guys. अब मुझे ना जाना होगा, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, पर तुम प्लीज नाराज मत होना। अब आई नो क्या कर सकते, आई एम सो इम्पोर्टेंट। अब एक काम करते, कल पूरा दिन तुम्हारे साथ। ओके ओके, बाय गौरी। बाय बाय। गौरी गौरी गौरी, बात सुन मेरी। देख, मैं तुलिका के इमोशंस के साथ नहीं खेल रहा हूँ। She's just a good friend, पर प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने तुलिका से कह दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि मैं वापस नहीं आऊंगी। बस एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे, मेरा नाम कॉम्पिटिशन में से हटवा देना। गौरी गौरी, मेरी बात तो सुन प्लीज। क्या सुनूं मैं? क्यों हर रिश्ते को खराब करने पर तुले हुए हो? मैं तुलिका को और हर्ट करना नहीं चाहती। मगर गौरी, बस बहुत हो गया। मैं तुलिका को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, और इसलिए तुमने जो कहा है अब तुम उसे निभाओगी। और रही मेरी बात, तो एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कॉम्पिटिशन से मेरा नाम हटवा देना। आई होप इतना तो कर ही सकते हो तुम मेरे लिए, नहीं तो मुझे खुद मिस्टर हेजा से बात करनी पड़ेगी। एक और बात कहना चाहती हूँ शिव, ऐसे सब कुछ बिखरने मत दो। तुलिका बहुत स्पेशल है शिव, उसे खोना मत। ये कैसा प्यार है, चढ़ाई खुमार है, ना आँखों में नींद है ना दिल को करार है। ये किसी लायक नहीं है यार, मुझे विश्वास नहीं होता कि किसी का दिल रखने के लिए वो आई लव यू कैसे बोल सकता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन उसके रियल इमोशंस भी है, जो वो अभी रियलाइज नहीं कर रहा है, पर बहुत जल्द करेगा। अच्छा, कैसे करेगा? मैं शिव और तुलिका के बीच से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। What? Are you serious? तू यार अपने प्यार को जाने कैसे दे सकता है यार? एक तरफ कहता है तू उससे प्यार करता है, और दूसरी तरफ
जब वो जा रही यार तू उसको रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। क्या करूं यार मैं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। दो बातें क्या नहीं सुनी, तो हो गया तेरा प्यार खत्म, जाने देगा उसे तू? यार मेरी जान, तू सचमुच उसे प्यार करता है ना, तो अपने प्यार को हारने देगा तू? बात तो बिल्कुल सही कह रहा है सन, तुझे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। कैसे लड़ूं यार, बात करना तो दूर की बात है, वो तो मेरे सामने भी नहीं आ रही, और अब तो वो मिर्जापुर भी जा रही है। सिर्फ कंफ्यूज है, और उसकी कंफ्यूजन ना वो खुद सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसकी कंफ्यूजन सॉल्व कर रही हूं। तू जानता है ऐसा ही कुछ एक बार मेरे साथ भी हुआ था। हाँ हाँ, अभी दोनों लड़कियों के बीच में फंस गए थे, तो जब आपको रियलाइज हुआ जिससे आप प्यार करते हो वही लड़की आपको छोड़ के चली गई, राइट? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं अपने डांस कंपटीशन के दौरान मैं अपनी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था फॉर द फिनाले। क्या हुआ, अचानक उसकी हाथ में चोट लग गई और उसे प्लास्टर चढ़वाना पड़ा। मुझे लगा कि हम दोनों अब साथ में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं खुदा से यही दुआ करता रहा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसका प्लास्टर उतर जाए, और मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है मैं भी अपना हाथ बांध कर रखूं। अच्छा तो तू क्या सैक्रिफाइस करेगा? आई थिंक यू राइट, मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।